ये अपनी इस ट्रेजेक्ट्री में हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहा है। अविनाश एचयूएल 887 विद इन द बास्केट ऑफ एफएमसीजी आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त 887 पे? आई थिंक मेरे ख्याल से मे बी इन द शॉर्ट टर्म, मेरे ख्याल से आई थिंक अगर वॉल्यूम ग्रोथ अगर अच्छा आता है तो वीरेंद्र मुझे लग रहा है कि इसमें शायद थोड़ी और अपसाइड आ सकती है। आई थिंक मार्केट्स ने क्लियरली ये एज्यूम किया था कि मानसून खराब आएंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को काफ़ी जोर का फटका लग सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक इनकी रूरल जो डिमांड है वो इफेक्ट होती। लेकिन जिस प्रकार का प्रोग्रेस हमने जून में बारिश का देखा है, जुलाई अगस्त में भी अगर ऐसा ही प्रोग्रेस आता है तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं लगेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ डोमेस्टिक मार्केट से काफ़ी अच्छी आएगी। तो आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियरली जुलाई का महीना कंपनी के लिए काफी क्रूशियल है। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ अगर 5% के ऊपर आती है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स इसको काफी पॉजिटिवली लेंगे। लेकिन क्लियरली एफएमसीजी स्पेस में आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ अगर 5% के ऊपर आती है तो ही अच्छी रेटिंग आएगी, अदरवाइज आई थिंक इट वुड बी अ डिसअपॉइंटमेंट अगर 5% के नीचे अगर वॉल्यूम ग्रोथ आता है। राइट।